अस्सलाम वालेकुम खान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद। तो स्टूडेंट, अब हम मशकी सेट 2.1 हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर एक हमारे सामने है, कोई भी दो मुरब्बई मसावात लिखिए, हमें ऐसा कहता है। तो कोई भी दो मुरब्बई मसावात हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक ये हो जाएगी। दूसरी जैसे 7x² माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना। ये दो मुरब्बी मसावात हमने लिख दिया है। सवाल नंबर दो क्या बोला गया है, दर्ज ज़ैल मसावातों में से मुरब्बी मसावात पहचानिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना है कि जो दी गई मसावात है उसमें मुतगैर बराबर है, बिल्कुल है। पहली मसावात को देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये मुरब्बे मसावात है, इसका दर्जा भी दो है, तो ये हम बोलेंगे ये मुरब्बे मसावात है। नंबर दो, यहाँ पर भी जो मसावात दी गई है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y - 10, अगर इसे हम असल सूरत में कुछ लिखें यहाँ पर, चलिए यहाँ लिखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y - 10, अगर इसे हम मवाजना करते हैं जो हमारी मसावात है मुरब्बे मसावात की जो असल सूरत है, मियारी सूरत, उससे मवाजना करें, तो उस हिसाब से अगर हम उसको इस तरह से लिखते हैं तो ये भी मसावात मुरब्बे मसावात है। नंबर तीन की तरफ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर मसावात नंबर तीन में क्या दिया गया, वाई स्क्वायर प्लस 1/y = 2। ये मसावात थोड़ा सा ये p/q फॉर्म में है, मतलब 1/y है नसब नुमा से, यहाँ से वाई को अगर हटाएंगे हम और वाई से अगर ज़रब करेंगे, सवाल नंबर तीन अगर हम यहाँ हल करके दिखाएं आपको, देखिए किस तरह से होता है। अगर y से ज़रब करते हैं तो y ज़रब y, y की कुवत 3 हो जाएगा, ये सॉरी y ज़रब y स्क्वायर करेंगे जमा 1/y ज़रब y इक्वल टू 2 ज़रब y। तो देखिए यहाँ y y कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन ये y की कुवत 3 हो जाएगी यहाँ पर, इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। तो ये मुरब्बा मसावात नहीं होगी, तो हम इसे, है ना, ये मुरब्बा मसावात नहीं है। नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर चार क्या दिया गया है, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2-। हाँ, अब अगर हम यहाँ पर मसावात को अगर x से ज़रब करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ज़रब x जमा 1/x ज़रब x इज इक्वल टू 2। तो ये x x कैंसिल हो जाएगा और x ज़रब x एक्स स्क्वायर हो जाएगा जमा ये 1 इज इक्वल टू ये 2 ज़रब x है तो 2x हो जाएगा, है ना। फिर x स्क्वायर 2x को यहाँ लाएंगे तो 2x और ये जमा 1 इक्वल टू 0। तो ये मुरब्बा मसावात है। तो इस तरह से हम सवाल नंबर चार जो है हमें दिया गया मसावात, ये मुरब्बा मसावात है। अब पॉइंट नंबर पाँच देखिए क्या है, पॉइंट नंबर पाँच में दो ब्रैकेट दिए गए हमें, m+2 और दूसरा दिया गया m-5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, आठवीं जमात में हमें ब्रैकेट के अज्जाज अरबी के अंदर हमें दिया गया था, तो हम बिल्कुल वैसे ही करना है इसमें, एक m से m-5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 से m-5 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। देखते हैं मसावात बनती है क्या, बिल्कुल बनेगी, m ज़रब m m² माइनस 5 ज़रब m 5m जमा 2 ज़रब m 2m जमा नफ़ी नफ़ी 2 × 5 = 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m² 5m में से 2m गया तो -3m, है ना, फिर -10 इक्वल टू 0। तो ये भी मुरब्बा मसावात है, है ना। फिर नंबर छः, यहाँ पर देखते से ही लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि दर्जा 3 आ चुका है, m की कुवत 3 है जमा 2, 3m की कुवत 2 है -2 = 3m की कुवत 3। यहाँ पर m की कुवत 3 आ गई, दर्जा 3 आ गया, तो ये मुरब्बा मसावात नहीं होगी, है ना। तो यही हमें पहचानना था सवाल नंबर दो में, यहाँ सवाल नंबर दो मुकम्मल होता है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर तीन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे सवाल नंबर तीन दिया गया हमें, दर्ज ज़ैल मसावातें ax² + bx + c = 0 की सूरत में लिखिए, हर एक के लिए ए बी सी की कीमत मालूम कीजिए। तो हमें जितनी भी मसावातें दी गई है उसे सबसे पहले तो उसकी मियारी सूरत में लिखना है मुरब्बे मसावात की, और फिर ए बी सी की कीमत निकालनी है मवाजना करके। पहला पॉइंट यहाँ हल करते हैं हम, 2y = 10 - y², अगर हम इसे मियारी सूरत में लेकर आएंगे तो ये वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो प्लस में, है ना, +2y यहाँ पर भी है प्लस में, 10 इधर आ जाएगा तो माइनस में, इस तरह से। और जब फिर हम मवाजना करेंगे, है ना, दी गई मुरब्बई मसावात को, दी गई मुरब्बई मसावात को क्या लिखेंगे यहाँ पर, ax² + bx + c = 0 से
से मवाजना करने पर, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। मवाजना करेंगे और फिर बताएंगे कि ए की कीमत यानी ए कौन है, एक्स स्क्वायर का ज़रीब, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक। बी मतलब वाई वाई का ज़रीब यानी दो, और सी मतलब -10। चलिए सवाल नंबर दो देखते हैं। सवाल नंबर दो क्या दिया गया है, मसावात में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये दिया गया है, फिर इज इक्वल टू 2x+3 दिया गया है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर इतने हिस्से में। क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab+b2। तो यहाँ कैसा लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab+b2 यानी 1 इज इक्वल टू 2x+3 है ना। एक्स स्क्वायर का टर्म यही रहेगा, माइनस 2x के माइनस में 2x आ जाएगा और फिर प्लस 1 के माइनस में 3 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ 0 बचेगा, यानी सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये -4x हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखो बन गया ना, ये मुरब्बे मसाद बन गई है। तो ये जो है सेकेंड इक्वेशन जो दी गई ये भी मुरब्बे मसाद है, और यहाँ पर अब इसको मवाजना जब हम करेंगे हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए बराबर यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, बी बराबर यहाँ पर -4 आ जाएगा, सी बराबर यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट नंबर 2 यहाँ हल होता है। चलिए पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3 क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 -x। अब ज़रा गौर कीजिए यहाँ पर, पहले इतना हिस्सा हम सेम रखते हैं यहीं पे एज इट इज़ रखते हैं, इसको पहले सही करते हैं। ब्रैकेट के बाहर माइनस है मतलब -3 और माइनस माइनस +x है ना। अब सबको यहाँ लेकर आ जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x -x+3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 5x में से एक एक्स गया तो 4x, फिर +3 इक्वल टू 0। और जब हम इसको मवाजना करेंगे हमारी जो मुरब्बा मसद की आम सूरत है, तो उसमें a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 4 आ जाएगा और c बराबर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ए बी सी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 यहाँ पर हल करते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया है, 3m² इज इक्वल टू 2m² -9। ये तमाम यहाँ पर इस तरफ आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3m² -2m² और ये -9 +9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको भी जब मवाजना करेंगे तो a बराबर 3 आ जाएगा, b बराबर -2 आ जाएगा और सी बराबर 9 आ जाएगा, है ना। सवाल नंबर 4 भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। अब पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या दिया गया हमें, पांचवा सवाल हमें दिया गया है, पी ब्रैकेट 3+6p इज इक्वल टू -5। अब हम क्या करते हैं, पहले p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3p हो जाएगा ये, प्लस 6p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6p² इज इक्वल टू -5। अब क्या होगा, 3p से पहले हमें 6p², क्योंकि मुरब्बे वाला जो हिस्सा है वो पहले रखना है, +3p फिर -5, यहाँ जाके +5 हो जाएगा और इक्वल टू 0। और जब इस मसावात को हम मवाजना करेंगे हमारी मियारी सूरत से, तो a बराबर 6 आ जाएगा, b बराबर आपको 3 आ जाएगा और c बराबर आपका आ जाएगा 5, है ना। तो इस तरह से पांचवा सवाल भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। चलिए अब सवाल नंबर जो है कितना है, 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे दिया गया हमें, x² -9 इज इक्वल टू 13 दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रखेंगे, -9 के माइनस में 13 को भेज देंगे और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका क्या हिस्सा बन जाएगा, 13 और 9 22 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर -22 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स वाला टर्म नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x -22 इक्वल टू 0 इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। और अगर जब हम इसे मवाजना करेंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा हमारा 0 और c बराबर आ जाएगा -22। तो इस तरह से सवाल नंबर जो 2 है वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है हमारा। तो इसे आप लिख सकते हैं इस तरह से, ये मुकम्मल हो गया है यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको इतना हिस्सा समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ।
तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर चार अब आपके सामने है। मुरब्बई मसावातों के मुकाबल दी हुई मुतगैर की कीमत इन मसावातों के जजर है या नहीं तय करना है। तो पहला सवाल है अब हम जो यहाँ हल करने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। इस मसावात में एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो, एक्स बराबर पहले एक रखना है हमें। वैसे दो कीमतें दी गई है, एक्स बराबर एक और एक्स बराबर माइनस एक। पहले हम एक्स बराबर एक रखते हैं, देखते हैं कि ज़ीरो आता है या नहीं। अगर ये एक्स बराबर एक रखने पर अगर ज़ीरो यानी राइट हैंड साइड की कीमत ज़ीरो अगर हमें मिल जाती है तो हम समझ जाएंगे कि एक्स बराबर एक जो है वो दी गई मसावात का जज़र है, और अगर ज़ीरो नहीं आता है तो हम समझ जाएंगे कि जो कीमत है वो दी गई मसावात का जज़र नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। एक्स की जगह पे वन रखना है तो वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन माइनस फाइव, तो वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा, प्लस फोर वन ज़ा फोर माइनस फाइव, क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइव माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका है ना। तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर एक दी गई मसावात का जज़र है, मसावात का जज़र है, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। बाजू में कर लेते हैं, एक्स बराबर माइनस एक रखना है ना, अभी एक्स बराबर माइनस एक रखना है इसी मसावात में, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, है ना, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव तक ही लिखेंगे, इक्वल टू ज़ीरो लेकर नहीं चलना है। अब माइनस एक रखेंगे, माइनस एक का स्क्वायर प्लस फोर इंटू माइनस वन माइनस फाइव, माइनस वन का मुरब्बा प्लस वन हो जाता है, जमा नफी नफी चार एक का चार और माइनस पाँच, तो क्या हो जाएगा ये माइनस थ्री माइनस फाइव, तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस एट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस, है ना, ज़ीरो नहीं आया ना हमारा, माइनस एट आ गया, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे, हम यहाँ कहेंगे, यहाँ लिखेंगे देयर फोर, इसलिए एक्स बराबर माइनस एक दी गई मसावात का जजर नहीं है, नहीं है, इस तरह से आपको बताना है। तो सवाल नंबर एक जो है वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अब सवाल नंबर दो हम यहाँ हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब दूसरा सवाल हल करते हैं। क्या दी गई दूसरी मसावात, टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हमें एम की दो कीमतें दी गई है, एक दो दी गई है और दूसरी पाँच बटे दो। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि इस मसावात का एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी इतना हिस्सा लेके हम चलेंगे, टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम, और यहाँ पर हमें सबसे पहले एम की जगह पे दो रखना है। चलिए, है ना, जहाँ पर भी एम है वहाँ दो रख लेते हैं। दो का मुरब्बा हो जाएगा चार, माइनस ये पाँच दूनी दस, दो चौक आठ माइनस दस, ये हो जाएगा माइनस दो। तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं आया है तो हम ये कह सकते हैं देयर फोर एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस। और क्या रखने पे ज़ीरो नहीं आया है हम बताएंगे, इसलिए एम बराबर दो दी गई मसावात का जज़र नहीं है, इस तरह से आपको बताना है। चलिए, अब इसी मसावात का वापस से एल एच एस लेते हैं। अब यहाँ पर हमें पाँच बटे दो रखना होगा, टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम, टू इंटू फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस फाइव एम, फाइव इंटू मतलब फाइव अपॉन टू, इस तरह से रखना है। क्या हो जाएगा ये दो ज़रब, ये पाँच का मुरब्बा पच्चीस और ये दो का मुरब्बा चार, माइनस ये पाँच पंजे पच्चीस बटे दो, दो एक का दो, दो दूनी चार, क्या हो गया यहाँ पर पच्चीस बटे दो माइनस पच्चीस बटे दो, क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा। क्या रखने पर ज़ीरो आया भाई, एम बराबर पाँच बटे दो रखने पर ज़ीरो आया, इसलिए एम बराबर पाँच बटे दो दी गई मसावात का, दी गई मसावात का जज़र है, इस तरह से आपको लिख देना है। यहाँ आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो सवाल नंबर जो चार है वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर पाँच की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर पाँच क्या दिया गया है, एक मुरब्बे मसावात है के एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका एक जज़र है एक्स बराबर तीन, यानी एक्स बराबर तीन रखने पर ये हल करने पर ज़ीरो आता है। तो हमें बोलता है कि के की कीमत मालूम कीजिए, यानी के क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है के, इसकी कीमत क्या होगी।
हमारा काम क्या है कि इस मसावात में हमें के एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स जमा तीन इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर x की जगह पे हमको तीन रखना है। तो देखिए x की जगह पे हम तीन रख रहे हैं, तीन का स्क्वायर माइनस दस जरा तीन जमा तीन इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा तीन का मुरब्बा नौ और ये के नाइन के, और ये तीस जमा तीन इक्वल टू ज़ीरो, नाइन के ही रहेगा, तीस में से तीन तीन माइनस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि बड़े दत की अलामत नफ़ी की है, इसलिए यहाँ पर माइनस सत्ताईस आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब यह क्या करेंगे, नाइन के यहाँ रखते हैं हम, सत्ताईस को यहाँ ले लेते जमा में, बराबर किस तरफ, अब के इज़ इक्वल टू ट्वेंटी सेवन के अपॉन में नाइन आ जाएगा, तो नौ एक नौ नौ तीस सत्ताईस, यानी के बराबर कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। इस तरह से के की वैल्यू हमारे पास तीन आ गई। तो सवाल नंबर पाँच यहाँ पर ख़त्म हो गया है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। ऐसा एक सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और आपके स्कूल के एग्ज़ाम में बिल्कुल रहेगा दो मार्क्स के लिए। चले बढ़ते हैं सवाल नंबर छः की तरफ। देखिए स्टूडेंट, आप सवाल नंबर छः आपके सामने है, अगर मुरब्बे मसावत फाइव एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस के इज इक्वल टू जीरो का अगर एक जजर माइनस सात बटे पाँच हो, तो के की कीमत मालूम करने के लिए जेल की सरगर्मी काम मुकम्मल कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो जजर है वो माइनस सात बटे पाँच दिया गया है, तो यहाँ हम सात बटे पाँच लिखेंगे, माइनस सात बटे पाँच। अब जहाँ पर भी एम है मतलब वहाँ पर माइनस सात बटे पाँच लिखना होगा हमें, तो हम ये लिखेंगे माइनस सात बटे पाँच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस सात बटे पाँच, है ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, साइड में हल कर लेते हैं, पाँच ज़रब ये हिस्सा हमें साइड में हल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए पाँच ज़रब सात का मुरब्बा उन पचास और पाँच का मुरब्बा पच्चीस, इस तरह से ऐसा हो जाएगा जब, और ये जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा इधर पे, दो सत्ते चौदह बटे पाँच, और जमा के इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर पाँच एक पाँच, पाँच पंजे पच्चीस, तो हम यहाँ इस तरह से बता सकते हैं कि भाई फोर्टी नाइन अपॉन फाइव, और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये चौदह बटे पाँच हो जाएगा। अब यह नसब नुमा सेम है, तो फोर्टी नाइन माइनस फोर्टीन अपॉन फाइव, मतलब एक मरतबा नसब नुमा लिखेंगे क्योंकि नसब नुमा सेम है ना। अब उन पचास में से चौदह गए तो पैंतीस बचते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैंतीस बटे पाँच, तो पाँच के बाद पाँच सात पैंतीस, तो के बराबर कितना आ जाएगा, सात आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो इस तरह से आपका जो है ये सात आ जाएगा, और ये के की कीमत माइनस सात आएगी आपकी, क्योंकि जो पैंतीस बटे सात जो है वो जब यहाँ आ जाएगा तो माइनस में आएगा, तो इस तरह से आपकी कीमत, के की कीमत माइनस सात आएगी। तो इस तरह से ये जो मश्क है यहाँ मुकम्मल हो जाती है, अमली काम है, ये भी एग्ज़ाम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी जो वीडियो है 2.1 की बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान्स अकेडमी। शुक्रिया।